नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे रीट लेवल टू का जो थर्ड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट मतलब 24 तारीख को जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसकी आंसर की। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, आप अपना मिलान कर लेना। तो देखिए, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है, तो आकांक्षा हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से भूतकाल का सही उदाहरण है, तो भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है, तो देखिए पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ये देखिए दोस्तों ये भूतकाल का हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग कौन सा है, तो काफ़ी। फिर देखिए, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन तकनीकों। फिर देखिए, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभव। फिर देखिए, सावन शब्द का हिंदी रूप है, सावन शब्द का हिंदी रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रावण। फिर देखिए, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है, तो ये दोस्तों सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, दूध का दूध पानी का पानी करना। फिर है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घर का भेदी लंका ढाए। फिर है, कलकत्ते की राजधानी बताओ इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं, तो ये चिन्ह दोस्तों पूर्ण विराम। फिर देखिए, निम्नलिखित में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे वाला ऑप्शन, बेसिक शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो किसका ध्यान रखना चाहिए, कविता की भाषा कक्षा के सत्र के अनुकूल हो। फिर देखिए, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। फिर देखिए, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेवे पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी की हिंदी शिक्षण की समस्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ग्रीन बोर्ड। फिर देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है, तो वो क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्ट OHP। फिर देखिए, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मापन और मूल्यांकन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा विधि। नेक्स्ट देखिए, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बचे रहे हों, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में तथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, उपचारात्मक शिक्षण। फिर देखिए, गद्यांश है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, रेखांकित देन दिनी शब्द रूप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, डी वाला ऑप्शन, विशेषण है ये। फिर देखिए, अनुकूल का विलोम क्या होगा, तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। फिर देखिए, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो चिम धन तन। फिर देखिए, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, तो इसका दोस्तों बी और डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनायास। फिर देखिए, बीमार शब्द में सही पर्यायवाची है,
बीमार शब्द में सही पर्यायवाची है तो इसका हो जाएगा अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। फिर देखिए निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका राइट हो जाएगा स्पष्ट। फिर देखिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा। फिर देखिए निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, एकार्थी शब्द नहीं है तो सात नहीं है। फिर देखिए बीमारी के समय हमारे मुँह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है, रेखांकित शब्द है तो ये है अव्यय। तो ये दोस्तों 24 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट में भाषा फर्स्ट हिंदी थी उसके आंसर की थी, आप मिलान कर सकते हैं।